देखिए रफ करो, नहीं यहां तक क्लियर हुआ? आप बताइए यस शॉर्टेस्ट सर, लेंथ के पाथ के मेजरमेंट को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। एक वर्ड ध्यान में रख लीजिए कि डिस्टेंस रियल लाइफ में पॉसिबल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का पाथ रियल लाइफ में नहीं होता, वर्चुअल होता है। क्या होता है? क्या होता है? वर्चुअल, 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 इमेजिनरी, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ ना? जैसे मान लो कि यहां से मुझे मुंबई जाना है तो एक्चुअल रोड जो है उससे तो जा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पाथ। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हो सकता है किसी के घर में से गुजरे, हाँ या ना? हो सकता है किसी के छत से गुजरे, हो सकता है रेलवे ट्रैक से गुजरे, हो सकता है प्लेटफॉर्म के ऊपर से गुजरे। समझ में आ रहा है क्या? हो सकता है एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरे, ऐसा भी तो पॉसिबल है। सो दिस इज नॉट द एक्चुअल पाथ। क्लियर हुआ? सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? वर्चुअल और इमेजिनरी पाथ। हाँ, द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, उसे क्या कहेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, लिख लिए। लिख लिए आप सभी लोग। अब बताइए बेटा, रफ करूं? यस। अब बताइए इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की? बोलिए, जवाब दीजिए। डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर दूं? हाँ ठीक है सर। इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की? डिस्टेंस की। क्यों डिस्टेंस की? क्यों डिस्टेंस? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है और डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है, और कर्व पाथ में एक्चुअल पाथ के लेंथ का मेजरमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यहां पे इसको कहते हैं मॉड। क्या कहते हैं? मॉड और मॉडुलस। यह हमेशा क्या देता है? मैग्नीट्यूड। क्या देता है? मैग्नीट्यूड और वैल्यू। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि आपको अभी बताया डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। तो यह स्केलर है तो यह पॉजिटिव होगा, लेकिन यह वेक्टर है तो यह पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मैं इसके बारे में जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तब बेहतर बताऊंगा। बस अभी बस इतना समझ लो, मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिख लिए। बढ़ू बेटा? रफ कर रहा हूं, कर दूं? हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन यह कंडीशन किसका वैलिड है? ओनली इन कर्व पाथ। इसके यह किस केस में होगा? यह के कंडीशन किस केस में होगा? कर्व पाथ के कंडीशन में होगा। कर्व पाथ में ही ऐसा होगा। चलिए मैं रफ करूं अब? यस, पूरा रफ कर रहा हूं।
और भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ पाथ? स्ट्रेट पाथ. स्ट्रेट पाथ. कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर. अब यह पाथ कैसा है? नेचर क्या है? स्ट्रेट पाथ है. यहां पे वही आदमी आ गया. कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा क्या? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? एक्चुअल एक्चुअल पाथ. कोई डाउट? इसके लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहेंगे? डिस्टेंस. क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा क्या सर? एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? Measurement. Length of length of shortest distance between initial and final point. Shortest path. Shortest. क्या कहेंगे? Displacement. अब बताइए कि distance और displacement में क्या relation होगा इस केस में? क्या होगा? दोनों का value क्या होगा? Equal. Equal क्यों? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि स्ट्रेट पाथ में इमेजिनरी पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ और एक्चुअल पाथ बोथ आर सेम. सो आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस ग्रेटर देन मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. लेकिन यह कब होगा? यह कब होगा? जब तीनों पाथ सेम आएंगे. नहीं, तीनों मतलब जब पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट पाथ होगा. स्ट्रेट होगा. स्ट्रेट पाथ होगा. जब स्ट्रेट पाथ होगा तब ये कंडीशन वैलिड है, अदरवाइज कंडीशन वैलिड. सर इक्वल होगा ना? हाँ इक्वल होगा. लेकिन आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे बेटा कि पांडे सर स्ट्रेट पाथ में इमेजिनरी पाथ तो होता है, आप यही बोल रहे थे ना? मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, यही आप बोल रहे थे? Yes. होता नहीं है, वह इमेजिनरी का इमेजिनरी ही रहता है. लेकिन हाँ, यहाँ पे एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ सेम है, इस वजह से आप बोल रहे हैं कि सेम है, बट वह होता रियल लाइफ में नहीं. क्लियर हुआ सर? इक्वल होगा ना सर? इधर इन स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस इज इक्वल टू मोड ऑफ डिस्टेंस. लिखिंग मिस्टेक है ना भाई, तो बोलो ना. लिखिंग मिस्टेक है, मतलब छापिंग मिस्टेक है. हो गया? सारे बच्चे लिख लिए? यस सर. क्या हर बच्चे को समझ में आया? यस. आयुष समझ में आया सर? आपको समझ में आ रहा है बेटा सच में? हाँ सर, सब समझ में आ रहा है. गुड, बहुत अच्छी बात. क्लियर है सब लोग? हाँ सर. कल मैं आगे आप लोग को अब यूनिट निकालना बताऊंगा सारी चीजों का, ठीक है? आयुष. okay. आयुष. yes, sir. बेटा अपने फ्रेंड सबको अगर जो चाहे पढ़ना, मतलब लगता है क्योंकि फ्री में अटेंडेज, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो आप भी. और तो ए बेटा आप सार्थक. यस yes. बता देना अपने फ्रेंड्स को. सिद्धेश तुम भी बस आज की सेवा बता देंगे. हाँ आज की सेवा समाप्त करते हैं फिर. आप लोग का रेगुलर भी सिद्धेश, तुम शाम में कल लेक्चर नहीं अटेंड किया ना सर? किया ना शाम वाला. हाँ सर किया ना. और क्या लगता है, मैथ का किया सर? मैथ का बहुत ब्लर हो रहा था, आवाज भी क्लियर नहीं आ रही थी. अच्छा. और आपको शाम को लैटेंट टीट पढ़ाया, मुझे वो समझ में आया, फ्यूजन, लैटेंट टीट ऑफ फ्यूजन. मगर वो आपने पहले जो Q1 Q2 जो पढ़ाया था ना, वो लेक्चर में नहीं किए थे, तो वो नहीं समझ में आया. मैं इसी लेक्चर में बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि उसमें पढ़ाऊंगा तो बोर हो जाएंगे बच्चे. बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ.
ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ा रहा, इसमें केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड किए कल आप? नहीं, केमिस्ट्री नहीं था, फिजिक्स था और मैथ था, दो मैथ था, दोनों मैथ अटेंड किए? नहीं सर, फर्स्ट वाला किया, बाद में मेरा लेक्चर था स्कूल का। अच्छा, 5 से 6 में लेक्चर था। हाँ। अच्छा, 4 से 5 वाला अटेंड किया? हाँ किया सर। ठीक है, ठीक, चलो फिर कल मिलते हैं, कल मतलब शाम का लेक्चर होगा। और छोटा भाई का बोल देना कि भी लेक्चर चल रहा है। सर वो है ना लेक्चर में, वो कर रहा है। कहाँ है, क्या? ए बेटा, हाँ सर, तुम लेक्चर कल किया था शाम में? हाँ सर, सब किए थे। 8th का? हाँ सर, सब लेक्चर किए थे। नहीं किया है, मेरे पास आया हुआ है अटेंडेंस। किए थे, तुम्हारा नाम तो नहीं आया अटेंडेंस में? सर पर मैंने तो किए थे। हो सकता है कि सर भूल गए हो, मैं देखता हूँ। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। 11th के बच्चों का अभी क्लास है, अभी क्लास होगा 11th के बच्चों को। अभी 2 मिनट में मैं आईडी और पासवर्ड भेज रहा हूँ। बैठा।